अब स्कूलों में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। भोपाल के एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ने ही अपनी 3 साल के स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी का नाम कासिम रेहान है और वह आईटी का टीचर है। जब बच्ची की मां ने उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान देखे तो घटना का खुलासा हुआ। भोपाल के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना की शिकायत पीड़ित की मां ने स्कूल प्रबंधन से की थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसको अनसुना कर दिया, जिसके बाद कमलानगर थाने में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज करवाई। कमलानगर पुलिस ने स्कूल में जांच पड़ताल करने के साथ ही आरोपित शिक्षक कासिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया। 3.5 साल की बच्ची से संबंधित एक मामला थाना कमलानगर में आया है, जिसमें उनके माता की तरफ से इसमें शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्टया 74-75 BNS का और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में आरोपी बच्ची जिस विद्यालय में पढ़ती थी, जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसी का एक टीचर को इसमें पाया गया है और बाद में मेडिकल परीक्षण के बाद इस पूरे मामले में आरोपी को पहचान सुनिश्चित करते हुए इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं इस मामले पर सीएम ने संज्ञान लेते हुए आरोपी पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सीएम ने मामले को स्पेशल कोर्ट में भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पेशल कोर्ट के माध्यम से बच्ची को न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। यह कृत्य अत्यंत घृणित, शर्मनाक और निंदनीय है। भोपाल में आज 3 साल की बच्ची का उसके स्कूल के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का मामला ध्यान में आया है। आरोपी कासिम रेहान शिक्षक है, जो वही स्कूल में था। ऐसी दरंगी घटना के लिए मैं निंदा भी करता हूँ और मैंने कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो हमारे चीफ जस्टिस के साथ मिलकर के जल्द से जल्द इस प्रकरण को स्पेशल कोर्ट गठित करते हुए इसका निराकरण कराने का प्रयास करे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।